गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस ऑनलाइन रसायन विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विलयन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह से इनको अलग अलग में बांटा गया है। इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता है क्या, ये सारी चीज़ हम इसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। विलयन जो होता है, उस विलयन की पोटेंसी को हम जानने के लिए प्रायः इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सांद्रता शब्द का। सांद्रता किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले विलेय की मात्रा को कहा जाता है। कोई भी विलयन हो, उस विलयन में विलेय कितनी मात्रा में घुला होता है, उसके इकाई आयतन में कितनी मात्रा में घुला होता है, ये है, जितनी मात्रा में घुला होगा वही मात्रा विलयन, उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, किसी विलयन के इकाई आयतन में, किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले विलेय की जो मात्रा होती है वही विलेय की मात्रा कंसंट्रेशन कहलाती है, विलयन कहलाती है। कंसंट्रेशन को, किसी भी विलयन के सांद्रता को प्रकट करने के लिए हम प्रायः कुछ यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इकाई, कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं कुछ मोड लगाते हैं, विधि, विधा कह सकते हो। उस विधा को हम प्रायः दो भागों में बांट सकते हैं। पहली विधा है, या पहला जो यूनिट है वो है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट भौतिक इकाई, इसमें सबसे पहले आता है पहला परसेंटेज, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट, इसको हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसे हम आयतन प्रतिशतता कह सकते हैं, आयतन प्रतिशतता। तीसरा है प्रमुख रूप से परसेंटेज बाई वेट, वेट वैल्यू, परसेंटेज बाई वेट वैल्यू, इसको कहेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चौथा जो है वो है PPM, PPM कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, PPM कंसंट्रेशन। और जो पांचवा है वो है ग्राम, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ये हो गया पांच प्रकार का, पांच प्रकार की फिजिकल यूनिट है जिसके द्वारा हम किसी भी विलयन की सांद्रता को बता सकते हैं कि यह विलयन इतना पोटेंसी वाला है। अगर देखा जाए तो इसे साठ में जब हम क्वेश्चन को सरल करते हैं या कभी कभी विलयन लिखा होता है तो उस विलयन के आगे W बाई W लिखा होता है, W बाई W। यहाँ अगर आयतन की बात की जाए तो आयतन भी लिखा होता है V बाई V। अगर W बाई W लिखा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर यह जो है द्रव्यमान प्रतिशतता को बता रहा है। अगर V बाई V लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह आयतन प्रतिशतता को, यानी विलयन आयतन प्रतिशतता को बता रहा है। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है तो उसके लिए W बाई V शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। PPM सांद्रता, इसका वास्तव में पूरा जो नाम होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये हो गया PPM का पूरा नाम। तो पार्ट्स पर मिलियन या PPM कंसंट्रेशन, PPM सांद्रता। एक और है पचवा, ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। आइए इसमें जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी जो डिफिनेशन होती है वो किसी भी विलयन के 100 ग्राम, किसी भी विलयन के
100 ग्राम में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है, कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है वह, या जितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला होगा वह उसका द्रव्यमान प्रसत्ता कहलाएगा। इसको हम ज्ञात करते हैं, ये इसका सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेयन का भार, वो भी ये ग्राम में रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा, और गुणे 100। मान लीजिए इसे लिखा है 10% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का जलीय विलयन है जिसमें ग्लूकोज विलेय है, और विलेय शब्द आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उस घटक को हम विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है उस घटक को हम विलायक कहते हैं। तो इसमें विलेय ग्लूकोज और जो विलायक है वो जल हो गया, ग्लूकोज का जलीय विलयन है। तो इसमें विलेय पदार्थ 10 ग्राम और विलायक पदार्थ 90 ग्राम है। तो 90 और 10 मिलाया तो विलयन का भार हो गया। यहाँ 10 मान लीजिए विलेय का भार हमने रखा है 100, तो 100 को 100 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 10। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि अगर कहीं भी लिखा हो कोई विलयन है, या मान लीजिए लिखा है ग्लूकोज का जलीय विलयन है जिसकी सांद्रता 10%, लेकिन W/W है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्लूकोज 10 ग्राम है और 90 ग्राम जल। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, % by volume, आयतन पर सत्ता। इसकी परिभाषा होगी किसी भी विलयन के 100 ml में घुले विलेय की ml में मात्रा, यहाँ दोनों ml में रहेंगे, विलेय भी ml में रहेगा और विलायक भी ml में रहेगा। किसी भी विलयन के 100 ml में जितने ml विलेय पदार्थ घुला होता है वही उसकी आयतन प्रसुत्ता कहलाती है, या आयतन प्रसुत्ता सांद्रता कहलाती है। इसका जो सूत्र होगा वो होगा विलेय का आयतन, लेकिन यहाँ पर विलेय का आयतन हम लोग ml में लेंगे, बटे विलयन का आयतन, ये भी आपका ml में होगा और गुणे 100। ये सूत्र, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए इसे लिखा है कि 10% एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। अब यहाँ देखेंगे एथिल अल्कोहल विलेय और जल जो है विलायक है, तो इसमें 10% का मतलब 10 ml एथिल अल्कोहल और बाकी 90 ml जल है। तो इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग ऐसे V/V के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यहाँ ये बता रहा है आयतन प्रसत्ता को। नेक्स्ट % by weight, द्रव्यमान आयतन प्रसत्ता। इसकी डिफिनेशन होगी किसी विलयन के 100 ml में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा। यहाँ थोड़ा सा क्लिष्ट है, यहाँ विलेय जो है क्योंकि ठोस है, तो विलेय ठोस है तो उसको हम ग्राम में, और विलायक अगर द्रव में है तो उसको हम ml में लेंगे। तो परिभाषा इसकी हो गई कि किसी भी विलयन के 100 ml में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसुत्ता कहलाती है। इसका सूत्र होगा विलेय का भार और ये होगा आपका ग्राम में बटे विलयन का आयतन। ये जो विलयन का आयतन है ये होगा ml में और गुणे 100। यहाँ पर मान लीजिए लिखा गया है कि NaCl का 10% W/V जलीय विलयन। इसका मतलब ये हुआ कि इस विलयन में 10 ग्राम NaCl है, कुल मिला के जो
10 ml 10 ग्राम NaCl हो गया, बाकी शेष इसमें जल हो गया, और दोनों को मिला करके दोनों का जो है आयतन जो है 100 ml इस तरह से। दूसरा है पार्ट्स, नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन या ppm सांद्रता। ppm सांद्रता 10 के पावर 6 ऐसे 10 के पावर 6 ग्राम या 1 बिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की ppm सांद्रता कहलाती है। इसकी इसका जो सूत्र होगा वो होगा विलेय का भार बटे विलयन का भार, ये दोनों ग्राम में रहेगा, गुणे 10 की पावर 6 इस तरह से। पांचवा है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर पूर्ण रूप से स्पष्ट है, प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। संक्षेप में इसको GM अपान L के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में इसे प्रकट किया जाता है S से कैपिटल S से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग सांद्रता की भौतिक यूनिट, भौतिक इकाई को पढ़ते हैं, सॉरी रासायनिक इकाई को पढ़ते हैं। भौतिक इकाई तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद देखते हैं कि इसकी केमिकल यूनिट क्या है। इसमें सबसे पहले आता है नॉर्मेलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। इसे संक्षेप में कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है मोलरिटी, इसे हिंदी में कहेंगे मोलरता, संक्षेप में प्रकट करेंगे कैपिटल M से। तीसरा है मोलेलिटी, इसे कहेंगे मोललता। ध्यान दें बच्चों, मोललता इसे स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। चौथा है मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहेंगे मोल प्रभाज, इसे x बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रमुख 4 रासायनिक इकाई है विलयन की सांद्रता को हम इन चार तरीकों के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी का मतलब नॉर्मलता की डिफिनेशन होगी किसी भी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या। अब तुल्यांकों की संख्या क्या है, तुल्यांकों की संख्या के लिए हम जानेंगे तुल्यांक की संख्या बराबर होती है विलेय का, या कह सकते हो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ये सब पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अगर पदार्थ के भार और पदार्थ के तुल्यांकी भार का हम अनुपात निकाल लें तो हमको उस पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, पता हो जाएगी। फिर से देख लीजिए डिफिनेशन इसकी, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे संक्षेप में कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं।
इसका जो मात्रक होता है वो होता है तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, या कोई डिजिट लिखा हो जैसे मान लीजिए 10 लिखा है या 1 लिखा है या 2 लिखा है, तो उसके आगे हम यन शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। तो निश्चित तौर पर यह बताएगा, ये यन बताएगा कि विलयन की जो सांद्रता है वो है 2N या 2 तुल्यांक प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में तुल्यांक की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी पर इसका सूत्र जो हो गया N नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, यहाँ पदार्थ की जगह पर क्या रखेंगे, विलेय रखेंगे, तो हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये जो विलयन का आयतन है वह लीटर में होगा, इसमें होगा लीटर में होगा। सूत्र एक बार फिर से देख लीजिए, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। ये सूत्र हमको निश्चित तौर, ये जो सूत्र आपको बताया जा रहा है, यह सूत्र अगर आप लगाए रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो याद करने के पश्चात आप बड़ी आसानी से इनके प्रश्नों का, इनके जो आंकी की प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप आंसर दे सकते हैं। उनके प्रश्नों का सही जवाब जानने के लिए हमको यह सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल आएगा नहीं। और एक विशेष चीज़ जान लीजिए कि टाइटेशन में, अनुमापन में इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बिना इनके आप टाइटेशन में कुछ भी कर नहीं सकते हैं, बिना इसके टाइटेशन में कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइटेशन के लिए, अनुमापन के लिए। चलिए आइए देखते हैं मोलरता क्या है। मोलरता, मोलरता की परिभाषा, डिफिनेशन इसकी क्या होगी, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है, विलयन की मोलरता कहा जाता है। फिर से एक बार देख लें, किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। अब यहाँ बात आई, जैसे यहाँ पढ़ा आपने तुल्यांकों की संख्या, वैसे यहाँ पर मोलों की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर होती है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, ये सूत्र है। जहाँ तुल्यांकी भार से पदार्थ के भार को भाग दे दिया जा रहा था, वहीं पदार्थ के भार से हम पदार्थ का अणुभार अगर डिवाइड कर दें तो जो नंबर मिलेगा, जो संख्या मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, वह मोल की संख्या कहलाएगी। वास्तव में मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर, मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर। ये एक ऐसा पदार्थ की मात्रा का मात्रक है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों वैल्यू का एक साथ डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसको अलग टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल हमारा उद्देश्य यहाँ पर सांद्रता पढ़ना है। तो मोलरता ये हो गया। अब मोलरता को हम संक्षेप में कैपिटल एन से इस्तेमाल कर, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसका जो सूत्र होगा वो होगा एम इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार गुणे विलयन का, गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन रहेगा लीटर, लीटर। इस तरह से मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, ये रहेगा लीटर में। ये सारे के सारे सब ग्राम में रहेंगे, क्योंकि विलेय पदार्थ का भार है तो भार को हम ग्राम में रखेंगे, पदार्थ का भार है तो वो भी ग्राम में रहेगा, क्योंकि भार का जो मात्रक होता है वो ग्राम मान सकते हो, किलोग्राम भी मान सकते हो, जैसे जिसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम विलेय के भार को ग्राम में ही डिनोट करेंगे, ग्राम में ही रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए देखते हैं मोललता क्या है। मोललता देखो, मोललता, मोललता, इसलिए इसमें ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ रा, यहाँ ला,
मोललता अलग चीज़ है, मोलरता अलग चीज़ है, मोललता अलग चीज़ है। बस थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा अंतर यहाँ है, वैसे थोड़ा सा अंतर इनके डिफिनेशन में भी है। किसी विलयन के, कोई विलयन हो, या ऐसे मान सकते हो कि एक एक किलोग्राम या 1000 ग्राम दोनों मत बराबर है। चाहे आप 1 किलोग्राम कहो और चाहे 1000 ग्राम कहो, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पर तो आपका जो विलयन था उसका जो उसकी जो मात्रा थी वो लीटर में थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा विलायक है, विलायक का भार 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम हो, उसमें कितने मोल विलेय के कितने मोल घुले हैं, जितने मोल घुले होंगे वही विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। तब फिर से देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या है, 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसका इसको संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है इस माध्यम से, इसका मात्रक होगा मोल प्रति किग्राम, इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इसका सूत्र होगा वही स्मॉल एम इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, और ये विलायक का जो भार होगा वह केजी में होगा, केजी विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार, अणुभार की कोई यूनिट नहीं, विलायक का भार वो भी किलोग्राम। नेक्स्ट लास्ट है मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाग। इसको वास्तव में विलेय और विलायक की किसी भी विलयन में कितनी हिस्सेदारी होती है, किसी भी विलयन में विलेय की कितनी हिस्सेदारी और विलायक की कितनी हिस्सेदारी है, इसी हिस्सेदारी को वास्तव में प्रकट करने का जो एक तरीका है वह मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। किसी भी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाग जो होता है, विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटकों की मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी भी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाग जो होता है, विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सारे घटकों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को मोल प्रभाग कहा जाता है। इसे एक्स बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब चूंकि हिस्सेदारी है इसलिए यहाँ पर इसकी कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें, हम देखते हैं कि भाई विलयन में दो घटक हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। अब विलेय है तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, अब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, दोनों की संख्याओं को जोड़ लीजिए और विलेय के मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को क्या कहा गया। जैसे हमको विलेय मान लीजिए कहना है कि विलेय की का मोल प्रभाज क्या है, तो विलयन में विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहा गया। ऐसे ही विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यहाँ पर इस तरह से। यानी किसी विलयन में विलायक का जो मोल प्रभाज होगा, विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को कहा गया। ठीक है, यहाँ स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। इस तरह से यहाँ पर हम जो है किसी भी विलयन में विलेय की हिस्सेदारी कितनी होती है या विलायक की हिस्सेदारी कितनी होती है ये ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज़ और, अगर हम मान लीजिए लिखें विलेय प्लस विलायक के विलायक
का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज जो होता है, मोल प्रभाज वो बराबर एक होता है। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं तो विलेय का मोल प्रभाज निकाला, विलायक का मोल प्रभाज निकाला, तो दोनों को जोड़ने के पश्चात उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक आएगी, क्योंकि हिस्सेदारी यहाँ एक, दोनों का जोड़ेंगे तो एक आएगा। इस प्रकार से चलिए एक बार निकाल कर लेते हैं। नॉर्मलिटी क्या है? किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे संक्षेप में कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है। कभी कभी एग्जाम में इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, इसलिए इसकी परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट मोलरता देखते हैं। किसी विलयन के एक लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। किसी भी विलयन में किसी घटक के मोलों की, किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात को कहा जाता है। धन्यवाद छात्रों, प्यारे बच्चों, अब अगला वीडियो, नेक्स्ट अगले वीडियो।